वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो प्रीवियस ईयर आपके कैट के एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है बच्चे? तो जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैट 2022 में रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चे, टाइम आपके पास में इनफ टाइम, मैं कह सकता हूं कि क्वांट को लेकर के आपके एग्जाम्स में रहता है, और उस टाइम के अंदर आप बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इवन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको जो विद इन आप 30 सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उनमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पहले अच्छे स्टडी करेंगे। अब यहां पर मुझे आपको बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया, टाइप वाइज पढ़ाए, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है, रेशियो कैसे अप्लाई करते हैं, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। उसको बताने के बाद अब मैं आया हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि भैया आप यहां पर कंफर्ट रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चे, पिंकी इज द स्टैंडिंग इन द क्यू एट अ टिकट काउंटर, सपोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी टू द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हर। तो बच्चे, एक टिकट काउंटर पे देखिए, तो यहां पर आप देखते हैं तो पिंकी है बच्चे, ये देखिए पिंकी, इसके आगे टिकट काउंटर पे कुछ लोग हैं। अब मुझे नहीं पता कितने लोग हैं बच्चे, नंबर्स क्या उनके, और इनके पीछे भी टिकट काउंटर पे कुछ लोग हैं, मुझे ये भी नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन ये कंफर्म कर रहा है कि इनके आगे जो नंबर है, जितनी भी संख्या है, और इनके पीछे जितनी भी संख्या है, उनका रेशो, पिंकी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इनके आगे पिंकी उसमें शामिल नहीं है, पिंकी के पीछे में भी पिंकी शामिल नहीं है, उसका रेशो आपको दिया हुआ है क्या 5:3, मतलब 3 किसको कह रहा है, आगे, तो 3:5 है, तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी टू द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड इन द क्यू। तो पहले क्या कह रहा है, अहेड ऑफ पिंकी, उसका फिर फर्स्ट अहेड ऑफ पिंकी को रिप्रेजेंट करेगा इसके आगे। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि रेशो आप बड़े ध्यान से लिखें, आप अगर इसको उल्टा लिख देते तो आपका गलत हो जाता है, ये बात समझ में बच्चे आए। और आगे क्या कहता है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300। अब बच्चे, पूरे क्यू के अंदर जो है लेस देन 300 है पर्सन, तो पर्सन कितने हैं बच्चे, आप कह सकते हैं लेस देन 300। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको यहां पर इस चीज को भी अच्छे समझना होगा कि लेस देन 300 में तो भैया बहुत कुछ आ जाता है, 1 से लेकर के 299 तक आपका आ जाता है लेस देन 300 का मतलब, तो यही हो गया भैया। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या करेंगे, 299 आप लीजिए, ठीक है बच्चे, लेस देन 300, जस्ट 300 से पहले। आप चेक करें कि 3 स्टूडेंट आगे 5 पीछे, मतलब कि रेशियो जो उनका 8:8 है, क्या ये 8 से आपका डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली? कंप्लीटली डिवाइड होना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि किसी भी नंबर ऑफ पर्सन को अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हो आगे कितने लोग हैं, तो वो डेसिमल में नहीं आएगा ना कि 4.5 या 5.5 लोग या 36 लोग हैं, 38.5% आगे हैं, डेसिमल में नहीं आएगा ना, तो इसलिए 3 और 5, तो आगे जितने भी हैं पीछे जितने भी हैं उनका सम 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि आगे 3 और पीछे 5, तो सम कितना बन रहा है 8, तो उसका सम 8 से डिवाइड होगा, तभी आप एक परफेक्ट नेचुरल नंबर फाइंड कर पाएंगे कि आगे कितने लोग हैं पीछे कितने लोग हैं। तो आप यहां पर 8 से डिवाइड करेंगे, देखो क्या डिवाइड हो रहा है 6। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे यहां पर आप, एट थ्री जा 24 और 5 आ गया आपका, ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे 8 7 जा 56, और कितना रह गया आपका 3 रिमाइंडर रह गया, 3 रिमाइंडर रह गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि 3 लोग बचे जा रहे हैं, 3 लोग नहीं हो पा रहे हैं। और तो आप एक काम करें, 300 में से 3 माइनस कर दो आप, तो आपके पास में कितना बचेगा 2, 3 लोग कम है, सॉरी 299 में से 3 आप माइनस कर दें तो 296, इसका मतलब क्या हुआ,
कि डिवाइड नहीं हो पा रहा था, रीजन क्या था कि 3 की वजह से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, तो 3 मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इसमें से, तो अब तो कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 296 तक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो बच्चे ये क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, 296 आगे और पीछे मिला करके स्टूडेंट है, क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं, पहले चीज क्लियर है। एंड सेकंड, आप इस बात को जरा समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है, पिंकी इसमें शामिल नहीं है, आगे एंड पीछे देख रहा हूं मैं, इसमें 1 प्लस करूंगा तो 297% टोटल हो जाएंगे, ठीक है, बात आगे ही कर रहे हैं। तो ये रेशियो किस रेशियो में बटा हुआ है, आगे 3 है और पीछे 5 है, तो आप इजिली कर सकते हैं, 296 डिवाइडेड बाय टोटल है ये आगे और पीछे, तो टोटल कितना हो गया 8 एंड आगे कितना है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 इंटू 3 एंड सॉल्व करेंगे आप 129 और 211, तो 111 जो पर्सन है पिंकी के आगे है। तो कितने इजिली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बच्चे, आपको कोई वेरिएबल लेट करने की नीड नहीं है, क्लियर है, नहीं तो फिर पूरा आप अपना टाइम यूटिलाइज करते रह जाओगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। कैट के एग्जाम बैठे हो, क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप फुल स्कोर कर सकते हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और सिर्फ 36 से 38 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 2022 का कैट के एग्जाम का मैं ले रहा हूं, ये भी क्वेश्चन देखिए कितने इजिली करेंगे आप, जरा समझते इस चीज को। इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल, तो बच्चे एक विलेज के अंदर मेल और फीमेल के नंबर का रेशियो क्या आपके पास में 5:4 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल और उसी गांव में लिटरेट फीमेल, और बेसिक जितने मेल होते हैं लिटरेट नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं है उनको पढ़ना लिखना आता है, तो लिटरेट फीमेल का रेशियो क्या है, 2:3, ठीक है बच्चे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल, इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल का, इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल का रेशियो क्या है उस गांव में, 2 literate female 4:3 एंड 3600 मेल इन द विलेज आर लिटरेट, ये क्या दिया हुआ है आपको, गांव में जो पढ़ा लिखा मेल है लिटरेट मेल ये है ना, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है बच्चे 3600, तो 2 इक्वल है 3600 का, तो 1 की वैल्यू निकाल लो आप यहां पे, कि 2 अगर 3600 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 को, 1 मीन्स 1800, 3 की वैल्यू क्या होगी, इसी में आप निकाल सकते हैं जो निकाल सकते हैं 5400। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहां पर आपके पास दोनों ही डेटा अवेलेबल है, एक तो आपको यहां पर यह भी पता लग गया कि ये 3600 ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्लियर है बच्चे, और पढ़े लिखे मेल हैं, और जो पढ़े लिखी महिलाएं हैं वो कितनी है 5400, क्लियर है। तो आप यहां से एक चीज और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने लोग उस गांव में पढ़े लिखे हैं, क्लियर है बच्चे, क्या टोटल नंबर ऑफ आपके पास में पर्सन यहां पर गिवन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चे आप एक बात समझें कि लाइक मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनके नंबर नहीं मालूम बट उनका रेशियो मालूम है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं इसमें वेरिएबल डालूंगा तो प्रॉपर डेटा में ट्रांसफर हो जाएगा, ये 5x है एंड ये 4x है, तो विलेज में मेल कितने हैं 5x, क्लियर है बच्चे, तो 5x मेल में से कितने मेल पढ़े लिखे हैं 3600, तो टोटल नंबर ऑफ मेल में से लिटरेट मेल को आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो इलिटरेट मेल आ जाएगा, एंड सिमिलर टोटल नंबर ऑफ फीमेल में से आप लिटरेट फीमेल को आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास में इलिटरेट ऑफ फीमेल आ जाएगी, और डिवाइड कर देंगे दोनों का रेशियो आ जाएगा, इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल का वो क्या आ जाएगा 4:3 आ जाएगा, क्लियर है बच्चे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स की वैल्यू के लिए, सॉल्व करेंगे 15x माइनस 108, ठीक है, एंड इधर सॉल्व करेंगे 16x माइनस
अब सॉल्व करेंगे तो ये देखो बच्चे, यहां पर आकर के माइनस करेंगे और माइनस 10,800 कैलकुलेटर नहीं रहेगा एग्जाम में, ध्यान रखना बच्चे। ये आप अपने कॉलेज की हैबिट लेके मत जाना एग्जाम में कि हर बात पे कैलकुलेटर उठा लेते हो। ठीक है, कॉलेज में करो, अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर आप नहीं कर सकते हैं। माइनस करेंगे आप इसमें से तो आप इस पे 200 डाल देंगे तो आपके पास पे ये पूरे का पूरा 11,000 हो जाएगा। फिर 10,200, 10,800, जीरो में जीरो, जीरो में से जीरो, एक सेकेंड इरेज हो गया। ठीक है, अब देखो सबट्रैक्ट करना है आपको, जीरो जीरो आठ, और ये तो उसको कैरी कर देता, ये क्या हुआ जीरो वन, 10,800। ठीक है बच्चे, इक्वल्स टू एक्स, तो आपके पास में किसकी वैल्यू आई है, आपके पास में एक्स की वैल्यू आई है, बट आपको पूछ क्या रहा है यहां पे, ये देखें, मेल इन द विलेज आर लिटरेट देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द विलेज, विलेज में फीमेल कितनी है, तो फीमेल कितनी है 4x है, 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चे, एंड आपके पास में 4 से 4 0 0 2 3 एंड 4, तो दिस वन, तो 43,200 टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द विलेज, इसका ये आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ गए, कोई डाउट है तो डाउट पूछो। हेलो, हाँ जी बच्चे, तो आपके कैट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक और आपके सामने स्क्रीन पर है, कैट 2020 का, ऑलरेडी मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं आपके कंटेंट में, बिल्कुल अच्छे सीक्वेंस में वीडियो मैनेज है आपका रेशन प्रपोर्शन का, और जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और करने की नीड होती है, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम करेंगे, लेकिन जब मैं चैप्टर आपको पहले से नहीं पढ़ाता हूं तो क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा कुछ भी ना हो जो कि आपके कॉन्सेप्ट से बाहर हो, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करवाना मेरे लिए काफी ईजी हो जाता है। क्लियर है बच्चे, देखिएगा भारत में सबसे सस्ता कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हम शिक्षा धाम चैनल पे कैट का, और सबसे सस्ता नहीं बच्चे, आप एक बार पूरा एक चैप्टर लेकर के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके तो देखिए, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कैट के उस चैप्टर से रिलेटेड, तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको क्लियर करवा रहा हूं, ये ट्रूथ है, सच बोलने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, सच यही है कि मैं आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट उस लेवल पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन डाउट नहीं आएगा, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 2020 का, ये भी सॉल्व हो जाएगा, आपका सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर के बाद, ये प्रूफ होगा, और सिर्फ अच्छा कंटेंट नहीं, अच्छे से उसको दिमाग में बिठाना, एक टीचर बनाना बच्चे को, तभी तो बच्चा उसको एग्जाम में अटेम्प्ट करेगा, तो वो आपको जो है अच्छे से कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो सबसे सस्ता होने के बाद भी सबसे अच्छा कंटेंट कैट का मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन हाँ इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं 2-4-5-6 महीने में कोर्स नहीं करवा पाऊंगा बच्चे, कंटेंट ऐसा करवाऊंगा कि फुल कोर्स कर लोगे, कंटेंट ऐसा करवाऊंगा कि एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा ही होगा, लेकिन मुझे उसके लिए समय चाहिए, इसलिए इसका एग्जाम 3 महीने 4 महीने बाद है, वो मुझसे एक्सपेक्टेशन ना करें, मुझे कम से कम 1 ईयर चाहिए आपके कोर्स को अच्छे से कवर करवाने के लिए, हाँ मुझे टाइम जरूर चाहिए आपको करवाने के लिए। ठीक है बच्चे, आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ सम ऑफ मनी स्प्लिट अमंग द अमल सुनील एंड मीता सो दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ द अमल एंड सुनील इज, तो सबसे पहले बच्चे देखें अमल और सुनील का जो रेशियो है 3:2, व्हाइल द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ द सुनील एंड मीता, सुनील और मीता, सुनील एंड मीताज इज द 4:5। If the difference between the largest and the smallest of these three shares are 400 rupees, then the Sunil shares in the rupees. ठीक है बच्चे, देखो बच्चे आइए क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है बच्चे, दोनों रेशियोज के अंदर, दोनों ग्रुप्स के अंदर एक कॉमन है सुनील, जहां कि सुनील अपने आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2, और सुनील यहां पर अपने आपको 4 रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब क्वेश्चन ये है कि भैया सेम पर्सन दो डिफरेंट वैल्यू कैरी नहीं कर सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। सुनील यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे मैं 4 करूंगा तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेशियो को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास 1 में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ये आपको मैंने। अब देखो मेरे पास में क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में आ गए, अब चेंज होकर के ये मेरे पास में आ जाएंगे बच्चे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। अब मेरे पास में सुनील यहां पर 4 है, सुनील यहां पर भी 4 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे यहां पर आप देखेंगे लार्जेस्ट शेयर की बात कर रहा है, तो लार्जेस्ट शेयर किसके पास में है, पहला अमल है तो अमल के पास में लार्जेस्ट शेयर है, स्मॉलेस्ट शेयर 4, 5 एंड 5, तो बच्चे स्मॉलेस्ट किसके पास में है, स्मॉलेस्ट 4 है जो कि सुनील के पास में है। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको। और लार्जेस्ट शेयर और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या है, 400 है, और यहां लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है बच्चे, और शेयर किसका पूछ रहा है, सुनील का शेयर पूछ रहा है, तो सुनील का शेयर क्या है बच्चे, 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आया आपका बच्चे, 800 रुपीज। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे निपटाते हैं क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड। आपके एग्जाम में बहुत इनफ टाइम है आपके क्वांट करने के लिए, इसलिए मैं गारंटी लेता हूं क्वांट में, DI में, लॉजिकल रीजनिंग में आपका फुल स्कोर करवा दूंगा, यहीं से मैं आपका पूरा परसेंटाइल बना दूंगा आपका मैं। और आप लोग SRCC कॉलेज के हो, हिंदू कॉलेजेस के हो, तो आप लोग बच्चों से मैं नॉर्मली मैसेज पे भी बात करता हूँ, डाउट डिस्कस करता हूँ, तो मुझे मालूम है इंग्लिश पे आपका बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंस है इंग्लिश को लेकर के, आप क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा वरी है, तो वो बच्चे यहां से हो जाएगा। मैं फिर भी आपसे कहता हूं कि पिज्जा के बराबर में आपको एक कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मेरे और सबसे अच्छा सबसे सस्ता दोनों ही सिचुएशन में, तो वो आप बिल्कुल भी यहां, तो वो उस बच्चे की किस्मत ही खराब है जो कि सोच रहा है कि ये जो 500-600 रुपए का जो कोर्स है इसको ले या ना ले, और नहीं ले पा रहा है वो, तो उसकी तो मैं कहता हूं किस्मत ही खराब है, क्योंकि इसमें वो अपने कैट का एग्जाम किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकता है, और यहां पे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। अगर आपने 10,000 का कोर्स भी ले रखा है तब भी आप इस कोर्स को लेकर के अपने जेब में रखिए, अब मैच कर लो उस कोर्स के साथ में या कंटेंट इस पे किस लेवल पे आपको प्रोवाइड करवा जा रहा है। तो भैया यहां 10,000 रुपए खर्च कर ही दिए तो 500 रुपए और सही, कम से कम आप एक बार कंपेयर कर सकते हो, वहां से कुछ समझ में नहीं आएगा यहां से समझ में आएगा आपको, ये बात गारंटेड है। इन्होंने एग्जामिनेशन रामास स्कोर वॉज, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन्होंने एग्जामिनेशन रामास स्कोर वॉज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ द मोहन एंड अंजलि। चलिए लिखते हैं इंफॉर्मेशन को, पिक करते हैं बच्चे, देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तो रामा के स्कोर की बात कर रहे हैं, और इसका कंपैरिजन हम जो है किसके स्कोर से कर रहे हैं, रामा स्कोर इज द 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ द मोहन एंड अंजलि, तो मोहन और अंजलि इससे कंपेयर कर रहे हैं। रामा का स्कोर क्या है, 1/12 टाइम्स है मोहन एंड अंजलि के स्कोर का, तो ये जिससे कंपेयर करते हैं 1 हो गया, इनका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे, 1:12 हो जाएगा। क्लियर है, आगे क्या कहते हैं, आगे कहता है आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ द ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6। अब आपके पास है रमा, मोहन और अंजलि, तीनों के स्कोर में इक्वल इफेक्ट डालते हुए 6-6 मार्क्स ऐड कर देते हैं। अब आपके पास में आ गया है द रिवाइज स्कोर ऑफ द अंजलि मोहन एंड रमा वर इन द रेशियो, तो अब आगे आपके पास में कह रहा है कि इनका जो रिवाइज स्कोर है, अब ये इंडिविजुअल रेशियोस गिवन है आपके पास में, ठीक है, अंजलि का, मोहन का और रमा का, ये रेशियो आपके पास में 11:10:3, ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, पूछ कह रहा है देन अंजलि स्कोर एक्सीड रमा स्कोर्स बाय, तो अंजलि का स्कोर रमा के स्कोर से कितना ज्यादा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्लियर है बच्चे, अब आप सबसे पहले यहां पर आपके पास में दो अप्रोच है, एक तो वेरिएबल से क्वेश्चन, एक आप शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर है बच्चे, मैं शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस कर लेता हूं पहले कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे करेंगे, फिर वेरिएबल से, चलिए दोनों डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल से अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए बच्चे आपके पास में रमा का स्कोर क्या है 1 एंड मोहन एंड अंजलि का स्कोर क्या है 12, तो आप यहां पर लेट कर सकते हैं कि रमा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स, और मोहन एंड अंजलि का स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा 12x, ठीक है, तो रमा का स्क्वायर आपके पास में क्या हो गया x, और मोहन एंड अंजलि का स्क्वायर के स्कोर क्या हो गया 12x। अब क्या हुआ बच्चे, इनके सबके
सिक्स मार्क्स जो है ऐड हुए, तो 6 मार्क्स ऐड हुए, तो रमा का जो पहले स्कोर था अब वो स्कोर 6 मार्क्स ऐड हो जाएगा, और मोहन में भी 6 ऐड होगा और अंजलि में भी 6 ऐड होगा, तो टोटल एडिशन यहाँ पर टोटल में 12 का एडिशन देखने को मिलेगा। तो अब आपके पास तो ये न्यू स्कोर हो गया रमा का, और ये न्यू स्कोर जो आपका मोहन और अंजलि का जो सम है उसका रेशियो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका रेशियो आपके पास में है क्या है, तो देखिए रमा का स्कोर क्या आपके पास में, रमा का स्कोर आपके पास में 3 है, ठीक है, और मोहन और अंजलि का स्कोर क्या आपके पास में, सम करेंगे तो ये आपके पास में बच्चे 21 है, तो सॉल्व करेंगे आपके पास में x प्लस 6 अपॉन आपका 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, ठीक है बच्चे, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7x प्लस 42 इक्वल्स टू 12x प्लस 12 एंड आप x में से सब्ट्रैक्ट कर दें आप, तो आपके पास है 42 माइनस 12 इक्वल्स टू 5x एंड यहां पे आपके पास में आएगा 30 इक्वल्स टू 5x एंड x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में बच्चे, x इक्वल्स टू आपके पास में 6 आ गया। तो यहां से आप अपना रमा का स्कोर, तो x क्या लट किया था आपने, रमा का स्कोर, तो रमा का स्कोर तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि पहले इनिशियली रमा के कितने मार्क्स थे, आप रमा के जो है 6 मार्क्स थे, बट अब करंट में उसके मार्क्स 6 ऐड हो गए हैं, तो अब करंट में रमा कितने मार्क्स की हो गई है, अब उसके 12 मार्क्स हैं, तो करंट में रमा 12 मार्क्स की है और रमा का रेशियो क्या है 3 है, तो 12 3 के इक्विवेलेंट है तो 1 की वैल्यू होगी। अब पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में, देन अंजलि स्कोर एक्सीड रमा स्कोर, अंजलि का जो स्कोर है बच्चे वो रमा के स्कोर से कितना एक्सीड है, तो अंजलि का स्कोर रमा के स्कोर से कितना एक्सीड है, तो ये 3 है और ये 11 है, तो 8 एक्सीड है, तो 8 तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास 32 मार्क्स एक्सीड है। ये आपको समझ में आया बच्चे क्या हुआ, ये तो वेरिएबल से आपने क्वेश्चन किया, मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, फिलहाल आपको समझ में आया। तो सबसे पहले आपके पास में सबके मार्क्स में 6 ऐड हुआ था, तो रमा के मार्क्स अब x नहीं, x प्लस 6 हो जाएगा, और आपके पास में मोहन और अंजलि का मार्क्स जो पहले था 12x, अब 12x नहीं रहेगा, 6 दोनों में ऐड हो जाएगा, और ये रेशियो अब क्या बन जाएगा 1:7। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहा, तो x क्या रिप्रेजेंट करता है आपका रमा का इनिशियल स्कोर, बट आपके पास में जो इंडिविजुअल स्कोर का जो रेशियो है वो न्यू, तो आपको न्यू डेटा आपके पे आना पड़ेगा, तो x है तो रमा का न्यू डेटा क्या होगा, 6 मार्क्स ऐड हो गए तो 12, तो 12 है और रमा 3 है, तो 12 3 के इक्विवेलेंट है तो 1 की वैल्यू आ गई, अब कितना एक्सीड है 8, तो 8 की वैल्यू निकालोगे 32 आ गया, क्लियर है। बट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बच्चे, तो एग्जाम में आपको किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हम उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास में रमा और अंजलि इनके स्कोर का रेशियो क्या है, सॉरी रमा और मोहन प्लस अंजलि, मोहन प्लस अंजलि इनके स्कोर का रेशियो क्या आपके पास में बच्चे 1:12 है। एंड अब आप न्यू स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नए में रमा का रेशियो क्या है, रमा क्या है 3 और मोहन प्लस अंजलि, तो मोहन प्लस अंजलि क्या है बच्चे देखेंगे अगर आप, तो आपका 21 जो कि क्या आपके पास में 1:7 1:7। अब देखो बच्चे इस रेशो में चेंज आए कैसे, यहां पर यहां से आप यहां पे पहुंच गए, ठीक है बच्चे, ये चेंजेस आने के रीजन क्या है, यहां पर आपके पास में क्या ऐड हुआ 6 और यहां पे आपके पास में क्या हुआ बच्चे, यहां पे आपके पास में इन दोनों में कितना ऐड हुआ, यहां पे 12 ऐड हुआ, क्लियर है, दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा यहां पर ऐड हुए। तो अब बहुत सिंपल है आपके लिए, आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है आपके पास में, आप देखेंगे तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 12 एंड यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 42, तो इसका डिफरेंस लेंगे ये क्या है आपका 12 अब ये क्या है 42 डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 30 एंड सिमिलर ऊपर 7 और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो क्या आएगा 5, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी 6, तो 1 की वैल्यू 6 आपके पास में आ गई, तो आप यहां पे रमा तो आपके पास में रमा का क्या है 1 तो इंटू 1 करेंगे तो रमा का क्या स्कोर है बच्चे 6, अब रमा का स्कोर पहले 6 था बट करंट में रमा कितनी होगी वही सिचुएशन आ गया 12, अब रमा इस समय करंट में 12 है और वो कह रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग रमा 3 है और मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, तो 32 इसका आंसर होगा। तो अगर आप विदाउट वेरिएबल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है, देखिए मैंने सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है चैप्टर के अंदर, उसके अंदर आएंगे तो आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द स्कोर्स ऑफ
अमल एंड बीमल इन एग्जामिनेशन आर इन द रेशियो 11:14. तो आपके पास में यहां पर बच्चे एक अमल है और एक बीमल है, और एग्जाम में इनके जो भी स्कोर आए हैं वो स्कोर क्या है, 11:14 आए हैं. आफ्टर एन अपील देयर स्कोर इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट. भैया इसके स्कोर में जो एडिशन हुआ सेम, ये तो रेशियो है खैर, बट जो भी स्कोर होगा उसमें भी वही चीज एडिशन हुई है. एंड देयर न्यू स्कोर आर इन द रेशियो 47:56. क्लियर है बच्चे? तो आपको याद होगा बच्चे, मैंने कहा था जब भी रेशियो पे सेम इफेक्ट डल रहा है और एक नया रेशियो आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिचुएशन में क्या करना होगा, रेशियो का डिफरेंस आपको सेम करना है. लाइक जैसे यहां पर अगर आप देखें तो डिफरेंस कितना है यहां पर, इस डिफरेंस को देखें आपके पास में, डिफरेंस क्या आपके पास में 9 है, तो इस डिफरेंस को आप ऊपर दे दो, और यहां पर डिफरेंस क्या है आपके पास में 3 है, तो इस डिफरेंस को आप नीचे दे दो. क्लियर है? और एक न्यू रेशियो क्रिएट करो इससे कि डिफरेंस सेम आ जाए. तो ये आपके पास में आ गया 99 और यहां पर आपके पास में आ गया 126. यहां सॉल्व करेंगे आप 21:131, और यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे 168. क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, इस सिचुएशन में ऑलवेज जब भी रेशियो पे सेम इफेक्ट डाल के न्यू रेशियो ला रहे हैं तो उन रेशियोज का गैप आपको सेम करना होता है. तो गैप सेम कैसे होगा, जो इसका गैप है ऊपर दे दो 9, इसका गैप है नीचे दे दो, और मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई मत करना, बस मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, इनका गैप आ गया. तो इनिशियली अमल आपका 99 था, बीमल आपका 126 था, अब अमल जो है 131 हो गया एंड बीमल जो है 168 हो गया. तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपसे क्वेश्चन ही कह रहा है, आर द न्यू स्कोर इन द रेशियो, द रेशियो ऑफ द बीमल न्यू स्कोर टू दैट द हिज ओरिजिनल स्कोर. तो बीमल का न्यू स्कोर का रेशियो पूछ रहा है ना, डेटा नहीं पूछ रहा है. तो बीमल का न्यू स्कोर क्या है आपके पास में, 168, और बीमल का ओरिजिनल स्कोर कितना है, 126. क्लियर है बच्चे? 2 से आप सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, 7 से, 3 से, सिंपल 4:3. बीमल का जो है न्यू स्कोर और उसके ओरिजिनल स्कोर के बीच का रेशियो क्या है, 4:3. तो बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है. तो बच्चे इतना आपका सफिशिएंट टाइम होता है आपके एग्जाम में, पर एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप बिल्ड कर लेंगे, तो आपके एग्जाम्स में आपके लिए क्वेश्चंस को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप जाते हैं, क्वेश्चन आपके पास में है, हाँ जी क्वेश्चन देखेंगे. राजू एंड ललिता ओरिजिनली हैड अ मार्बल्स इन द रेशियो 4:9. एक राजू है और आपके पास में ललिता है, इनके पास में किस रेशियो में है, 4:9. देन द ललिता गेव सम ऑफ द हर मार्बल टू द राजू, एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल विद द राजू टू द ललिता बिकम्स 5:6. क्लियर है बच्चे? इस बात को आप समझिए, पहले इनके पास में 4:9 में था, अब क्या हुआ कि 4:9 के बाद ललिता ने क्या करा, कुछ चीजें ललिता ने क्या किया बच्चे, ललिता ने कुछ चीजें राजू को दे दी. तो अपने से निकाल के ललिता में से जो सब्ट्रैक्ट हुआ है बच्चे, जो भी सब्ट्रैक्ट हुआ वही चीज फिर राजू में जाकर के एड हो गई. अब एक बार बताओ बच्चे, मेरी बात समझिएगा, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करो आप, कि मैं अगर आपको कोई चीज देता हूं, लाइक मेरे पास में 70 रुपीज है, समझो ए के पास 70 रुपीज है एंड बी के पास 30 रुपीज है, ये इसको 5 रुपीज दे रहा, सम तो कितना है 100, आप जानते हैं, ये इसको 5 दे रहा, तो क्या होगा, इसमें से 5 रिड्यूस हो जाएगा और इसमें 5 एड हो जाएगा, तो अब सम क्या चेंज हो जाएगा, सम अभी भी 100 ही रहेगा. तो इस बात को आप समझ पाए बच्चे क्या, कि अगर कोई किसी को कुछ शेयर करता है तो उससे रिड्यूस होकर उसमें ऐड हो जाता है, बस उनका टोटल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो यहां पर अगर आप इस चीज को जरा ऑब्जर्व करें कि आपके पास में टोटल क्या है, यहां पर टोटल बच्चे आपके पास में क्या है, 13 है. क्लियर है? और यहां टोटल क्या है आपके पास में बच्चे, टोटल यहां पर आपके पास में
11 है। तो जरा आप इस बात को जरा समझे, टोटल 13 है, टोटल यहाँ पे 11 है, तो सम तो बच्चे सेम ही होना चाहिए था ना, बस सम डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके सम को सेम करना है। सेम करने के लिए इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको हमें एलसीएम क्रिएट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इसको बच्चे हमें करना पड़ेगा 11 से। क्लियर है? तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रेशियो भी इफेक्ट होगा 11 से। तो आपके पास में 44 और 99। यहां पे इसको एलसीएम क्रिएट करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए मल्टीप्लाई 11 तो है, मल्टीप्लाई बाय 13 करना पड़ेगा, तो रेशियो भी। क्लियर है बच्चे? 78। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता। ललिता ने कितना फ्रैक्शन दिया है, तो ललिता ने दिया कितना है? पहले ये देख लो, ललिता कितने से कितनी होगी, 99 से 78 हो गई। तो सेक्रीफाइस कितना किया ललिता ने, ललिता ने दिया कितना है, ललिता रिड्यूस हो गई तो कितना दे दिया ये पता लग जाएगा आपको। उतना यहां पर आपका इंक्रीज भी हुआ होगा, चेक करोगे तो आपका 1 to 21 दे दिया आउट ऑफ अपने 99 में से। ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे 7 and 33, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको ये? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको एक बार इसके साथ में अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी बच्चे। देखो इन दिस क्वेश्चन, अब यहां पे समझेंगे, इफ ए बी सी आर द 3 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। आपके पास में ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4 वाइल बी एंड सी इन द रेशो। बच्चे बहुत क्वेश्चन किए ये तो हमने अपने चैप्टर में, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां पर भी क्या है, बी वेरिएबल है, यहां भी क्या है, बी वेरिएबल है। बी की वैल्यू क्या है 4, यहां बी की वैल्यू क्या है 2। सेम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो बी 4 है, यहां पे भी बी 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 2। आप रेशियो में किसी इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है आप मल्टीप्लाई करो, बट आप पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो। तो वेरिएबल को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से आप करेंगे। बच्चे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में, तो प्लीज अपने सिलेबस में जाएंगे अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, तो बी सी क्या हो जाएगा आपका 4:2। क्लियर है बच्चे? अब आप देखें यहां पर आपके पास में ए क्या है, ए आपके पास में 3 है, एंड बी क्या है 4 है, एंड सी क्या आपके पास में 2 है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा एबीसी का सम पॉसिबल होगा, तो इनका सम क्या बन रहा है यहां पर आप देखें, 9 देखो कौन 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है हाँ ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे, समझ पा रहे हैं आप?